हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो आपकी साइट में HTTPS का एरर आ रहा है। सो गाइस, ये क्यों आ रहा है एंड इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग सर्च कंसोल पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर आप लोग URL पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा URL ये इंडेक्स हो चुका है, लेकिन हो सकता है आपका इंडेक्स नहीं हुआ हो। ज्यादातर चांस रहता है इंडेक्स नहीं होता, मेरा इंडेक्स हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर HTTPS का, लेकिन अभी भी एरर शो कर रहा है। सो गाइस, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सिंपली HTTPS एरर पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एरर आपके साइट से भी हो सकता है और हो सकता है ये गूगल की तरफ से आ रहा हो। सो गाइस, आपके साइट से कैसे आ रहा है आप लोगों को ये चेक करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है, एवेल्युएट पर। यहाँ पर देखिए, गो टू इश्यू डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा HTTPS एरर के बारे में। आपको अपना पेज चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली एक साइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। HTTPS चेक करनी तो आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को पहली साइट दिख जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है एंड अपना URL कॉपी करके लाना है और URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर चेक SSL पर क्लिक करना है एंड SSL चेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टिक बने हुए हैं। नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ टिक है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ से SSL पर। तो ये गूगल की प्रॉब्लम है, मैंने गूगल टीम से बात की थी। तो गाइज, उन लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया था कि ये आपकी साइट में प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने नई टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लगाई है। एंड आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कोई अपडेट आते रहते हैं कई तरह के गूगल के। सो गाइज, ये भी उन्हीं में से एक अपडेट है जिस पर अभी ये थोड़ा गलत अपडेट आ गया है। तो आपके काफी सारे पेज HTTPS एरर पे दिख रहे होंगे, लेकिन गूगल इसे जल्द से जल्द सही करने वाला है। अभी इसमें मेरी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इसे किस तरह से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं पता है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पर एरर जल्द से जल्द ही सॉल्व हो जाएगा, गूगल इसे खुद सही करने वाला है। क्योंकि उन लोगों ने नई पॉलिसी लगाई थी कि ताकि आपका जो HTTPS पेज ना हो वो इंडेक्स ना हो, लेकिन गाइज ये पॉलिसी थोड़ा उनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आपके जो HTTPS वैलिड पेज है वो भी नॉन HTTPS दिख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ एक ऑप्शन भी दिखने लगा होगा, देखिए ये HTTPS वाला। सो गाइज, ये आपके सर्च कंसोल में बहुत जल्दी ऑप्शन ऐड होने वाला है, मेरे में हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे सभी URL वैलिड आ रहे हैं, जो इनवैलिड आ रहे थे यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो वो भी अब इनवैलिड नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं जब भी इंडेक्स करके देखता हूँ तो मेरे में इनवैलिड URL शो करता है, जो भी URL यहाँ पर इनवैलिड आ रहे थे उन्हीं URLs को। सो गाइज, ये ऑटोमेटिक सही होने वाले हैं। तब तक मेरे पेज इंडेक्स हो चुके हैं लेकिन रैंक नहीं कर रहे हैं, एंड आपके भी हो सकता है वो पेजेस इंडेक्स ही ना हो। सो गाइज, जैसे ही ये सही हो जाएगा आपके पेजेस वापस नॉर्मली इंडेक्स होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ऐसी ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने